मैं तो उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। कीड़ा ये काटते रहता है। 2014 में भी वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, पहले वो स्वस्थ हो जाए। इस बार नीतीश बाबू खाता तो खोल के दिखाएं। लड़ना तो है ही, विरोधी से लड़ा ही जाता है। तो मेरे गांव में उतने मुखिया को वोट आता है। नीतीश जी विशेष तौर पर स्वस्थ होकर आए तो राजनीतिक हैसियत यही है। सर आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कल 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा ने अपनी परचम लहराई और आज जो है मिजोरम भाजपा हार गई। जब पत्रकारों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जेडीयू को लेकर के सवाल किया कि जेडीयू ने अपने 10 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतारे थे लेकिन वो खाता तक नहीं खोल पाए, तो इस पे जवाब देते हुए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, तो पहले आप सम्राट चौधरी के पूरे बयानों को सुनिए। मैं तो उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, पहले वो स्वस्थ हो जाए। लड़ना तो है ही, विरोधी से लड़ा ही जाता है, लड़ना चाहिए, इसमें कहीं दो मत। नीतीश जी विशेष तौर पर स्वस्थ होकर आए, भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पीएम प्रोजेक्ट करने की मांग हो रही है उनको, तो उनको बीच बीच में कीड़ा ये काटते रहता है। 2014 में भी वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो बिहार की जनता ने 2 सीट दिया था। इस बार नीतीश बाबू खाता तो खोल के दिखाएं। एमपी में 10 उम्मीदवार उतारे गए थे लेकिन 9000 भी वोट नहीं आए सबको मिलाकर। देखिए, जितना जनता दल यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में वोट प्राप्त हुए, उतना वोट तो मेरे गांव में मेरे मुखिया को आता है। सबको मिला दीजिएगा तो मेरे गांव में उतने मुखिया को वोट आता है। तो राजनीतिक हैसियत यही है, जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। सत्ता का लाभ जब तक लेना है ले। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट तौर पर नीतीश बाबू और लालू प्रसाद जी के संयुक्त जोड़ी को हराने के लिए तैयार है। जाति आधारित गणना और आरक्षण बढ़ाकर ये लोग अपने आप को मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक मारा है, क्या लगता है कि ये सब? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जाति पर स्पष्ट कर दिया, जाति गरीबी है, जाति नौजवान है और आर्थिक रूप से समृद्ध हो भारत, इसकी चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जहां तक नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद जी का है, तो लालू प्रसाद जी को पूरा बिहार जानता है कि आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं। उनके पास 15 साल का मौका था, एक व्यक्ति को आरक्षण राजद ने नहीं दिया। एक व्यक्ति नाम बताए, किस दलित समाज के लोगों को आरक्षण लालू प्रसाद जी ने दिया, किस अति पिछड़ा समाज के लोगों को आरक्षण दिया, किस उच्च जाति के लोगों को आरक्षण देने का काम किया? कभी लालू जी ने कभी आरक्षण दिया ही नहीं है। आरक्षण विरोधी कोई पार्टी है बिहार में, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। 70-30 की बात करते हैं आप लोग। देखिए, 70-30 में स्पष्ट तौर पर मानना है, जातियों में यह नहीं है, लेकिन जो ये विचारधारा, लालू विचारधारा, नीतीश विचारधारा के लोग हैं, इसको हम कहते हैं। और स्पष्ट है, लालू जी अपने कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे यहां तो हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। एक एक जाति के समाज के लोग हमारे यहां काम करते हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता उनके काम है। हमारे यहां जाति नहीं है, हमारे यहां सभी लोग मिलकर ही काम करते हैं, सभी जाति के लोग काम करते हैं। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू के उम्मीदवार को मध्य प्रदेश में जितना वोट मिला उससे ज़्यादा वोट हमारे मुखिया को मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव को हराने के लिए बीजेपी पूर्णतः तैयार है और जब तक सत्ता का भोग नीतीश कुमार करना चाह रहे हैं अभी कर ले। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार से क्या कुछ कर पाती है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबर देखते रहे, एक मिनट फॉलो करें। आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे पेज को जरूर फॉलो करें। सहयोग पिंडुक साथ संजीव सिंह पटना।